सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन अंडर 9000। तो दोस्तों, आप अगर बजट में एक अच्छी 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाले। इस वीडियो में मैंने इंडिया के 3 चीपेस्ट 5G मोबाइल को चूज किया है जो सिर्फ आपको मिलने वाले 9000 के अंदर। यहाँ पे प्राइस तो कम है पर फीचर आपको काफी तगड़े तगड़े मिलने वाले। जैसे कि यहाँ पे आपको ग्लास बैक डिजाइन मिलेगा, उसके साथ साथ ऑरा लाइट की फीचर भी मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, 9000 के अंदर ऑरा लाइट की फीचर भी मिल जाएगा। 8GB रैम मिलेगा, 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ और भी काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाएगा। तो कौन कौन से वो डिवाइस, क्या क्या अदर फीचर मिलेगा, प्राइस कितना है, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट की सबसे पहली डिवाइस रहता है इंडिया के सबसे चीपेस्ट 5G मोबाइल। तो आपको अगर 9000 से भी नीचे प्राइस पॉइंट पे एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसकी साथ जरूर जा सकते हो। काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाले है लावा की तरफ से, लावा ब्लेज 2 5G। तो एक एक करके इसकी सभी स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी प्रीमियम सा होने वाला है। जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो भी काफी यूनिक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz की होने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50MP का मिलेगा और सेकेंड कैमरा 2MP का मैक्रो मिलेगा और उसके साथ साथ 0.3MP का एक लेंस भी मिल जाएगा। और दोस्तों, आप मेन कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8MP का सेल्फी कैमरा। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 2.2GHz की MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, जो 7nm पे बेस है। और दोस्तों, एक 5G प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको 8 5G बैंड देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे 8 5G बैंड काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB प्लस 3GB रैम मिलेगा, जब 3GB वर्चुअल रैम होगा। उसके साथ साथ UFS 2.2 टाइप के 128GB का रोम मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। आदर्श कुछ यूनिक फीचर के बारे में बात करें तो इस मोबाइल से आप यूट्यूब को बैकग्राउंड पे चला सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो एनोनमस कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये दो फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी फीचर। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस 9300 है, पर सेल पे 8500 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो 8500 पे 5G मोबाइल काफी अच्छी बात है। मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो डिवाइस आता है वो आता है आईटेल की तरफ से, आईटेल P55। तो दोस्तों, आईटेल ब्रांड को आप ऐसे वैसे मत समझना, ये इन्फिनिक्स की एक सब ब्रांड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि एक 5G डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट, जिसके एंटूतु स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है। हाँ दोस्तों, तो इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफी अच्छी होने वाले है। इस मोबाइल पे आप थोड़ी बहुत गेम भी खेल सकते हो, फ्री फायर पबजी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और दोस्तों, उसके साथ साथ आपको 12GB का रैम मिल जाएगा, जहाँ पे 6GB इंटीग्रेटेड है और 6GB आपको वर्चुअल रैम मिलेगा। और दोस्तों, 128GB का आपको स्टोरेज भी मिल जाएगा, जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो अदर फीचर में यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है। तो डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। उसके साथ साथ बात करें कैमरा की, तो कैमरा इस मोबाइल की काफी तगड़ी होने वाली है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा। उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। एंड्रॉइड
13 इस पे रन होगा। और दोस्तों इस डिवाइस की मुझे सबसे अच्छी बात लगे, यहाँ पे आपको मिलने वाला 2 ईयर की वारंटी। हाँ दोस्तों 2 साल की वारंटी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात। दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल टाइम में इसकी जो प्राइस वो 10,500 रहता है। कोई भी सेल आता है तो यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि आप भी देख सकते हो फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे आपको 1,000 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 8,900 हो चुका है। हाँ दोस्तों आप 9,000 के अंदर ही इस मोबाइल को बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। वहीं पे बात करें ब्रांड वैल्यू की, तो दोस्तों ये भी एक इन्फिनिक्स का ही सब ब्रांड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि पता है इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो तीनों ब्रांड एक ही ब्रांड है, तो यहाँ पे मोबाइल पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 ईयर की वारंटी भी मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से, न्यूली लॉन्च पोको M6 जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, जब आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट, जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे 4GB रैम, 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 MP का होगा। उसके साथ साथ एक 0.08 MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 5 MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग, तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों इस मोबाइल की पर्सनल मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, इसकी कलर, यहाँ पे आपको 2 कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरियन ब्लू। मुझे जो ओरियन ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों ये तो क्या इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 10,500 है। और दोस्तों यहाँ पे लॉन्च सेल पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस बोर्ड 9,500 हो चुका है। और इस प्राइस पॉइंट पे ये एक काफी अच्छा सा एक 5G डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस, तो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे डिवाइस है, ये उनमें से काफी अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस आता है लावा की तरफ से, लावा ब्लेज 2 5G। तो मेरी पर्सनल फेवरेट एक बजट 5G डिवाइस है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे फीचर और काफ़ी अच्छे प्रीमियम सा लुक भी मिल जाता है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको ऑरा लाइट के फीचर भी मिल जाता है, जो इस प्राइस पॉइंट में इंडिया पे कोई भी। इस डिवाइस पे आपको अदर क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं वो सब कुछ एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में, तो दोस्तों जैसे देख सकते हो एक बजट डिवाइस है, पर बैक के लुक से लगेगा एक प्रीमियम सा एक डिवाइस है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विद ऑरा लाइट। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छे एक फीचर होने वाले हैं बजट डिवाइस के हिसाब से। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं बाकी फीचर के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का LCD सेंटर कंसोल डिस्प्ले, जो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सा है। और प्रोसेसर मिलेगा Dimensity 6020 5G प्रोसेसर, तो प्रोसेसर काफी पावरफुल होने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 MP का और 2 MP का एक सेंसर भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ आपको मिलने वाला 8 MP का एक सेल्फी कैमरा। और दोस्तों इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर के बारे में फिर से मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास की बैक, जहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा। और दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा विथ 5V कैमरा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W की फास्ट चार्जिंग। तो देख सकते हो सभी कुछ फीचर आपको एकदम एक्स्ट्रा लेवल का मिल रहा है, और लुक एंड डिजाइन भी काफी सही है। तो दोस्तों बात करें प्राइस की, तो इसकी जो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट है उसकी प्राइस 9999 मतलब 10,000 है।
पर अभी आप अगर फ्लिपकार्ट से इस मोबाइल को बाय करते हो तो यहाँ पे आपको 1000 रुपी का डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट के बाद इस मोबाइल को आप 9000 के आसपास बाय कर सकते हो। तो इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको काफी अच्छे फीचर और काफी अच्छे लुक भी मिलने वाला है। तो आप इस मोबाइल के साथ जरूर जा सकते हो। और लाभा एक इंडियन ब्रांड है तो इंडियन ब्रांड की मोबाइल को खरीद के मेड इन इंडिया को प्रमोट भी कर सकते हो। तो दोस्तों यही था टॉप 3 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 9000। तो वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्यूचर में ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है पोको की तरफ से, पोको M4 5G जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे जो कैमरा मॉडल के आसपास आपको ब्लैक कलर की एरिया देखने को मिलेगा जैसे हर पोको की डिवाइस पे मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पोको की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा। वहीं पे इस डिवाइस की वेट 200 ग्राम होने वाले, डिवाइस थोड़ा सा हैवी होगा, डिवाइस की फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलेगा, बैक भी प्लास्टिक का होने वाला है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.58 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जो काफी अच्छी बात है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाले 90Hz के रिफ्रेश रेट और दोस्तों 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगा जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। और दोस्तों इस डिस्प्ले पे आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन जो भी काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला है 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसकी कैमरा भी काफी अच्छा है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080x30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फोन कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो और फोटो की क्वालिटी डिसाइड है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G चिपसेट जो 7nm पे बेस है और ये एक 5G चिपसेट है। तो दोस्तों डिवाइस 5G होने वाला है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 7 5G बैंड भी देखने को मिलेगा जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है काफी अच्छी बात है। बात किया जाए रैम रोम की तो यहाँ पे आपको 2 ब्रांड मिलेगा 4GB 64GB 6GB 128GB। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और एक इस डिवाइस की काफी अच्छी बात है, ये डिवाइस आने वाले IP52 की रेटिंग के साथ जिसकी मदद से ये डिवाइस वाटर और डस्ट प्रूफ भी होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 4GB+64GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस करंट टाइम पे 8999 मतलब 9000 है। पर यहाँ पे आपको कोई भी सेल आता है तो 500 या फिर 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 8000 या फिर 8500 तक आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। डिवाइस थोड़ा सा पुराना है पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से अभी भी काफी अच्छे अच्छे फीचर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर है तो आप जरूर ले।